मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। इसके जरिए दिल्ली सरकार दावा करती है कि राजधानी के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई गई। अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार केजरीवाल और उनके मंत्री दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को चैलेंज करने भी चले जाते हैं। अपने हर चुनावी प्रचार और चुनावी भाषण में सर जी इसका बखान करते नहीं थकते। अब वही मोहल्ला क्लिनिक एक बार फिर से चर्चा में है और दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर है। दरअसल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय यानी कि GDHS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक मोहल्ला क्लिनिक में कथित तौर पर खांसी की दवाई पीने के बाद कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में कुल 16 बच्चों को भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन बच्चों को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक द्वारा डेक्सट्रोमेथॉर्फन दवा दी गई थी। DGHS के इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर मोहल्ला क्लिनिक विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर दोषारोपण करते हुए इस्तीफे की मांग की है। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है और वहां पर 3 अबोध बच्चों की मृत्यु हुई है, 16 बच्चे बीमार हुए, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उन्होंने गलत दवाई दी जो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं थी, डेक्सट्रोमॉर्फिन के नाम से दवाई, और मामूली खांसी का इलाज वो बच्चे कराने गए थे, उनके माँ बाप उनको खांसी के इलाज के लिए गए थे। इससे साफ पता लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं या नहीं है, वो कंपाउंडर हैं, उनके पास डिग्री है या नहीं है, या सिर्फ पैसे उगाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए 400 करोड़ रुपया साल में जो खर्चा होता मोहल्ला क्लिनिक पर, उसको भ्रष्टाचार में बांटने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। शायद यही कारण आज ये सबूत है कि वहां पर 3 बच्चों की मृत्यु हुई, 16 बच्चे बीमार हुए। मोहल्ला क्लिनिक इनका मॉडल बिल्कुल फेल हुआ है। सिर्फ केजरीवाल साहब के इश्तहार के अड्डे हैं, प्रचार के अड्डे बन गए हैं, और वहां पर तमाम तरह की इल्लीगल एक्टिविटी भी होती है। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद है लेकिन बिल चल रहे हैं, उनके बिल बन रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं लेकिन आप देखेंगे बिल बन रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर में एंट्री करने से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, पर पेशेंट पैसा मिलता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के अलावा बीजेपी सांसद गंभीर ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट केजरीवाल मांगते हैं तो गलत दवाई से वहां बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी केजरीवाल ही हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में गंभीर ने लिखा कि बच्चों की मौत भी सीएम और उनके मंत्रियों की अंतरात्मा को नहीं हिला पाई। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। क्लिनिक के अंदर ऐसे हमारे नवजात कहूं या 2-3 साल के उन बच्चों को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आज उसी का नतीजा है कि वहां पर गलत दवाई देने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। साथियों, जो खबर है और मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है सरकारी, ये हमारे किसी साथी ने हमें दिया है, ये ऑफिशियल नोटिंग है, और इस ऑफिशियल नोटिंग में बकायदा भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को ये सचेत किया गया है 16 पेशेंट, और ये जो आप देख रहे हैं ये 14-12 यानी दिसंबर 14 तारीख, आज 20 तारीख होगी, ये घटना अब तक छुपाई गई, मौतों को दबाया गया। ये इस बात का भी उदाहरण है कि कोविड में होने वाली जो मौतें हैं, जिस तरह से सरकार उनको छुपाने का काम करती रही, वैसा ही काम इन बच्चों की बीमारी, उनका इलाज, उनकी मौतों को भी ना केवल मीडिया से छुपाया गया बल्कि आज तक उनके परिजनों के नाम भी छुपाए जा रहे हैं। वही मोहल्ला क्लिनिक द्वारा दी गई दवाई को लेकर एक्सपर्ट का मानना है ये सिर्फ बच्चों के डॉक्टर द्वारा ही दी जाती है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाती, यह सिर्फ बहुत ज्यादा खांसी होने की हालात में ही दी जा सकती है, इसके सेवन से पहले कई तरह की सावधानियां भी बरतनी होती है। वही DGHS ने सरकार से सभी मेडिकल स्टोर और मोहल्ला क्लिनिकों को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह दवाई नहीं लिखने के लिए नोटिस भेजा है और कहा है कि सार्वजनिक हित में यह दवाई को बंद करना चाहिए। वहीं इस मामले में केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है और 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल से इस मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मोहल्ला क्लिनिक की तरफ से ये गलतियां की गई है तो सरकार को जरूर जवाबदेही देनी होगी, क्योंकि अगर केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट मांगते हैं तो वहां हुई मौत के लिए जिम्मेदार भी केजरीवाल ही हैं। दिल्ली तक पेश है एक नए रूप और रंग में। दिल्ली तक का यह नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर Twitter पर लिंक के जरिए हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें।
धन्यवाद।